अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो हाँ जी, अब हमारी चल रही है शिफ्टिंग और जो है हम लोग जो है बहरिया छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। क्यों और किस लिए ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी ये फ़िलहाल अभी मेरा किचन पूरा फैला हुआ है, काफ़ी हद तक मैं समेट चुकी थी और पैकिंग का काम ऐसा होता है कि बस आप जल्दी जल्दी समेटना होता है, टाइम मिल गया जल्दी से करना है। तो जितनी हो सकी मैं वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना अब लाजमी होती है सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें जो है अब काफ़ी हद तक पैकिंग करके और कार्टन्स वगैरह सब यहाँ लाउंज में किचन में सब यूं ही पड़े हुए थे। और ये मैंने आप लोगों को घर नहीं दिखाया था अपना बहरिया का, तो ये नीचे का लाउंज था और सामने एक रूम था और ये किचन की जो है ना मैं अब समेटना शुरू कर दिया सारा। और ये एक बास्केट थी मेरे पास जिसमें मैं सारी बॉटल्स वगैरह रख रही थी, जिसमें सारी क्या कहते हैं अरके गुलाब वगैरह था और जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और वो सिरप वगैरह होता है और चिली सॉस, सोए सॉस वगैरह और ये जामे शीरी और जो जितनी भी चीज़ें होती हैं। बाकी ये क्लिंग रैप वगैरह मैं ऑयल की बॉटल के कैप पे जो है लगा के उसको सील कर रही हूँ ताकि वो गिरे नहीं रास्ते में। और मुझे यही आसानी लगी कि बॉटल सारी इसमें रख के, क्योंकि वो सीधी भी रहेंगी और गिरने का कोई चांस नहीं होगा, इसमें सारी रख के और मैं उसको पैक कर दूँ। किस तरह ना ये मैं आप लोगों को आगे ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी मैंने किचन की सारी चीज़ें रख चुकी थी, पतीलियाँ वगैरह और जितने बर्तन होते हैं सब कुछ मैं पैक ऑलमोस्ट कर चुकी थी, क्योंकि मुहर्रम से पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो है हमें शिफ्ट होना था, लेकिन उस चक्कर में लॉकडाउन की वजह से जो जिस घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे उसमें काम डिले हो गया था थोड़ा, तो हमें फिर अगस्त का एंड हो गया, वरना हम अगस्त के स्टार्ट में शिफ्ट हो जाते, तो आप लोगों को काफ़ी पहले पता चल जाता कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और हर चीज़ में इंसान को राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से ही होती है, उसके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। खैर ये पैकिंग वगैरह मैं कर रही हूँ सारी। और बहरिया छोड़ने का इरादा हम लोगों ने इस वजह से किया, बहरिया का माहौल बहुत अच्छा है, अंदर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुकून है, बहुत जो है ना पीसफुल जो है ना वो एरिया है वहाँ का सारा, जहाँ पे हमारा घर था वहाँ पे ज़रा रौनक भी थी, वहाँ पे हमारा कॉर्नर का घर था जो टू साइड फेसिंग पार्क था, मतलब हमारे फ्रंट पे भी पार्क था और लेफ्ट साइड पे भी घर के पार्क था, दो पार्क्स थे, तो वहाँ पे काफ़ी जो है रौनक भी थी घर में, घर पे घर के सामने हमारे। लेकिन वहाँ का माहौल और मतलब वहाँ पे हर चीज़ की सहूलत भी है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, खाने पीने की तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं आपके पास, लेकिन अगर आप लोगों को मार्केट जाना है और कुछ शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह हैं ये चीज़ें, तो वो चीज़ अभी वहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए जो है आपको कराची ही आना पड़ता है। और बाकी वहाँ पे इम्तियाज़ खुल गया है काफ़ी बड़ा, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और एक हमारे प्रेसेंट 10 में भी एक छोटी सी सुपर मार्केट बनी हुई है मरहबा के नाम से, वहाँ पे भी कपड़ों की सारी जो है चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन चॉइस पे बात होती है कि अगर आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही है, नहीं आ रही, लेना है नहीं लेना, भारत तो कराची से ही कर सकते हैं वो सारे काम जो कपड़ों वगैरह के हैं और ये चीज़ें। और बात यह है कि हमारे रिलेटिव्स माशाल्लाह से काफ़ी हैं, मिलना जुलना काफ़ी है, तो हमें बार बार कराची आना पड़ रहा था। बहरिया से कराची का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 घंटा लगता था आने में और जाने में भी, मतलब हमारे 2.5 घंटे तकरीबन 3 घंटे आने जाने के होते थे अगर हमें कहीं जाना है तो, और किसी दावत में जाना है तो वो 1.5 घंटा हमें चाहिए तैयार होने से पहले निकलना है, और फिर आप लोगों को पता है मतलब पूरा दिन हमारा जो है इसी में चला जाता था, तो और काफ़ी आना जाना है और ये भी है। तो अगर आप लोग ऐसे हैं कि आप लोगों का मिलना जुलना इतना कम नहीं, इतना कम है और मतलब घर में ही रहते हैं आप लोग, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका मिलना जुलना इतना नहीं होता, वो घर में ही रहते हैं या तो आना जाना बहुत नहीं होता, तो हाँ उनकी यहाँ वो लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है वो लोग और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। लेकिन हम जो हैं हम कराची इसीलिए मूव हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में, और आप लोगों को तो वैसे ही पता है कि महंगाई कितनी है, फिर गाड़ी के फ्यूल का एक तो ख़र्चा और फिर मतलब
आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है इंसान को देख के ही चलनी पड़ती हैं। हम लोग वहाँ मूव हुए थे कि शायद हम लोग ये सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग ये सब मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को कराची मूव होना पड़ा। तो कराची में हम लोग कहाँ मूव हुए हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप लोगों को पूरा सब कुछ दिखाऊँगी कि घर में हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर किस तरीके से हम लोगों ने घर बनवाया है, क्या है। और माशाल्लाह से अब तो ये वीडियो जब तक मैं शेयर करूँगी आपको तो मैं घर में अपने मूव हो चुकी होंगी। तो बस ये इस तरीके से जो है मैं कार्टन में एक सारे मसाले वगैरह रख रही थी, और ये मतलब जितने भी किचन के आपके मसाले होते हैं वो सब मैं एक कार्टन में रख रही थी। उसको सब अच्छी तरह ना सिक्योर कर लिया था मैंने मसालों को, मतलब उनको सील कर लिया था अच्छी तरह ना, ताकि वो गिरे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी पैकिंग की थी वो उसमें से कुछ भी ना मुझे कुछ गिरा हुआ मिला है कि मुझे कुछ मेरी चीज़ें गिर गई हों या फिर या मेरी कोई प्लेट टूट गई हो शीशे की या कुछ हो गया हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, शीशे के बर्तन मैंने बबल रैप मंगवाया था, उसमें करके रैप करके और रखे थे सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से बहुत सेफ़ रहे। अगर आप लोगों को भी पैकिंग करनी हो तो आप वो बबल रैप या फिर अखबार जो होता है न्यूज़पेपर में भी आप लोग बर्तन लपेट के उसको टेपिंग करके रखें। और बीच में जो थे मैंने टॉवल्स वगैरह या कुछ इस तरीके का कोई कपड़ा हो, कोई आप बीच में कपड़ा डाल दें बर्तनों के बीच में और इस तरीके से, तो वो काफ़ी अच्छे और सही जो है ना फिर वो पैकिंग हो जाती है। तो बस इसी तरीके से मैंने पैकिंग वगैरह की थी अपनी, और आप लोगों को मैं बता चुकी कि बहरिया छोड़ने का मेरा रीज़न क्या है हमारा, और एक और हमारा भी रीज़न था बहरिया छोड़ने का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी फैमिली में हम लोग चार लोग हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी सास हैं और मेरे मम्मियाँ ससुर हैं, जिनको मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है वीडियो में, ताहिर मामू, वो मेरे हस्बैंड के मामू हैं, मेरी सास हैं और मेरे हस्बैंड। तो बस हम लोग चार लोग हैं, और जहाँ हम लोग बहरिया में रह रहे थे वहाँ नीचे सिर्फ एक रूम था, तो वो ताहिर मामू के पास था। और मेरी जो सास है अम्मी, उनको प्रॉब्लम है घुटनों का, मतलब उनके बहुत तकलीफ़ रहती है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है उनको, मतलब हड्डियों में उसमें काफ़ी उनके जो है ना घुटनों में ख़ास तौर पर दर्द है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो कि कोई हो इलाज इसका या कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जो आप लोगों को पता हो कि उनका दर्द आराम हो जाए, उनके अंदर घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती है, तो चलना फिरना उनका बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे बहरिया में हम लोग जहाँ रह रहे थे, तायर मामू के पास नीचे का एक रूम था और ऊपर दो रूम से जो एक मेरे पास था और एक अम्मी के पास, और किचन हमारा नीचे था जो मेन किचन होता है जिसमें काम करना था, तो ऊपर नीचे जो है बहुत करना पड़ता था। इसी चक्कर में अम्मी जो है ना उनके दर्द बहुत बढ़ गया और हमें लाजमी वहाँ से मूव होना था, क्योंकि हम ऐसे ही घर ढूंढ रहे थे कि हमें नीचे दो रूम्स मिल जाएं जैसे तायर मामू और अम्मी आराम से रह सकें उन दो कमरों में, क्योंकि मैं तो आराम से ऊपर नीचे कर सकती हूँ लेकिन अम्मी नहीं कर सकती, उनकी इस वजह से प्रॉब्लम ये घुटनों की बहुत बढ़ गई है। और आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि उनका ये दर्द भी कम हो जाए और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो जी बस ये देखें, अब काफ़ी हद तक जो है मेरी पैकिंग जो है ना अब निमटती जा रही है। ये पूरा जो है डब्बा, पूरा जो बॉक्स है ये पूरा मसालों से और जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं किचन की, ऑयल वगैरह और क्या कहते हैं दालें और जितनी भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, ये पूरा एक बॉक्स मैंने उसी से फुल किया था। देख देख के रखना पड़ता है काफ़ी कि कोई चीज़ गिरे भी नहीं, कोई चीज़ जो है ना वो भी ना। और ये चलते हुए मैंने जो है ना चीनी और पत्ती जो होती है चाय की वो भर ली थी बर्नी में, क्योंकि ये बर्नियाँ वगैरह तो ये हमने हाथ तले ही रखी थी, क्योंकि जिस दिन हमें मूव होना था उस दिन सुबह में भी हमें चाय वगैरह बनानी थी, तो ये मैंने पैक नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो इसको बंद करके रख दूँ ताकि ये फिर हाथ में शॉपर में किसी चलते हुए किसी चीज़ में रख लेंगे। तो बस जनाब ये जो है काफ़ी हद तक मेरा काम निमट चुका है, और ये देखें ये ऊपर से मेरा कमरा पूरा फैला हुआ है और ये बाहर से भी काफ़ी जो है ना सामान फैला हुआ है। ये हमारा स्टोर था छोटा सा, और ये जो है सारे डब्बे वगैरह और बॉक्सेस सब रखे हुए हैं, और ये मज़दूर जो है आ चुके हैं काम करने के लिए, ये सारा सामान लेके जा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सामान था कि हमें दो ट्रक करने पड़े,
और ये जो मैं अभी आप लोगों से जिक्र कर रही थी, ये अम्मी का रूम है और ये अम्मी के रूम से व्यू है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा व्यू था अम्मी के रूम से। और ये बस हमारी पैकिंग चल रही है और मज़दूर भी काफ़ी देख के करने पड़ते हैं, जो हम ट्रक लोडिंग ट्रक करते हैं और उसके साथ बुलाते हैं मज़दूरों को, और मज़दूरों ने काफ़ी चीज़ें मेरी ख़राब करी हैं, मतलब जो है जो फर्नीचर था उस पर निशान मार दिए, और क्या कहते हैं कहीं से कोई किनारा टूट गया, लकड़ी का किनारा टूट गया, सोफ़ों पर निशान मार दिए, और मेरा सूटकेस था उसको पीछे से फाड़ दिया। तो मज़दूर जो है ना, लास्ट टाइम जब हम भैरिया शिफ्ट हो रहे थे तो वहाँ जब हमें मज़दूर बहुत अच्छे मिले थे, उन्होंने बहुत तरीके से सामान उतार के और रखवाया था, लेकिन अब की दफ़ा हमें अच्छे मज़दूर नहीं मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भैरिया से यहाँ शिफ्ट हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जी ये देखें, मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि यहाँ का माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है, ये बच्चे जो है यहाँ पर फ़ुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं गार्डन में, और ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा व्यू है यहाँ का। तो बस बात वही है, मतलब आप लोग को अगर सिर्फ भैरिया के अंदर रहना है और आपका काम सिर्फ भैरिया के अंदर ही है और आपको वहाँ से निकल के नहीं जाना, तो हाँ बहुत अच्छी जगह है ये रहने के लिए। जो लोग इस तरीके से कर सकते हैं वो हाँ मूव हो सकते हैं, लेकिन हमारा बार बार कराची आना जाना हो रहा था, जो कि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें मूव होना पड़ा। तो ये देखिए जनाब, हम लोगों को सुबह से लेके शाम हो गई थी जो है सामान लोड करवाते हुए मज़दूरों से, और ये हमारा ट्रक जो है रोक लिया था प्रिसन 10 की एंट्रेंस पे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गेट पास के बगैर जो है ट्रक नहीं जाने देती है। ये आप लोगों को पहले मेंटेनेंस ऑफिस जाके गेट पास बनवाना पड़ता है ट्रक के नंबर के साथ, और वो नंबर दिखाना पड़ता है उसको सिक्योरिटी पर। यहाँ पर एक चेक पॉइंट बना हुआ है एंट्रेंस पर, तो वो कॉल वगैरह मिला के उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ यही गेट पास है, और वो सब चेक करते हैं, फ़ोन करते हैं, और फिर वो जब अप्रूव करते हैं और उसके बाद जो है वो जाने देते हैं ट्रक को, वरना उसके बगैर वो आपका ट्रक वो नहीं हिलने देते, चाहे आप रात से सुबह हो जाए वो हिलने नहीं देंगे। अगर हाँ आपकी कोई जान पहचान है और किसी ने कुछ फ़ोन करके कह दिया कि जाने दो, तो वो अलग बात है, वरना ये लोग नहीं जाने देते। तो बस अब ये हम लोग भैरिया से निकल चुके हैं, और काफ़ी मतलब उदासी भी थी कि हाँ यार छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन खुशी भी थी कि हमारे लिए अल्लाह ताला बाकी के लिए आसानियां पैदा कर दे, आमीन। एक बात है कि भैरिया जैसा माहौल हमें कराची में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बस हमें अपनी आसानी देखनी थी, इसलिए मूव होना पड़ा। तो आगे मैं आप लोगों को भैरिया का गेट दिखाऊंगी, जो कि लास्ट जो वाक़या हुआ था उसमें पूरा जल गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी इन लोगों ने रिपेयर कर दिया है। तो बस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को इंजॉय किया हो तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।